कोई चीज देने को प्लेट दो, लाओ कोई प्लेट दो। इसके ये बीज जो है ना बड़े बड़े, ये हटा दूं। तो आपको मैंने, आपने देखा था कि मैंने लौकी को छीलते हुए मैंने आपको दिखाया था। तो अब मैं इसकी मुख्तलिफ शेप में कटती हैं कि अभी जो है मैं ये ज़ाहिर लौकी की तरकारी बना रही हूँ, तो उसको मैं उसी तरीके से काटूँगी। छोटा छोटा करके मुझे काटना है इसको, मर्जी आपकी जैसे आप काटें, लेकिन ये मैं इसको इसी तरह काटूंगी। गोल भी काट सकते हैं, थोड़े बड़े बड़े मोटे मोटे भी काट सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना लौकी बनाई जाए, तो इसीलिए काफी दिन हो गए थे, लौकी मैंने लाके रखी हुई थी लेकिन लौकी की बारी ही नहीं आ रही थी। हम इस तरह भी काट सकते हैं, किसी शेप में किसी तरह भी काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस हमारी सब्जी पकनी और गलनी चाहिए। इसको यूं भी काट सकते हैं आप, बड़ा बड़ा ऐसे भी काट सकते हैं। क्योंकि इसको हम जो है पकाते में जो थोड़ा सा घोट देंगे, मतलब चमचे की मदद से इसको थोड़ा तोड़ेंगे, तो इसकी शेप जो है ना वैसी नहीं रहनी जैसे हम काट रहे हैं। तो ये बात है, ये इस तरह से ये काट लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो आज बना रही हूँ मैं लौकी की तरकारी। तो लौकी की तरकारी को मैंने आपको छीलते और काटते दोनों ही दिखा दिया था। तो पतीली हमारी गर्म हो गई, इसमें जो है मैं ये कप ऑयल डालूंगी, एक छोटा सा कप है तकरीबन, मैंने इसको हाफ कप कह लें, हाफ कप से थोड़ा है। तो ये ऑयल मैं इसमें डालूंगी, ऑयल हमारा गरम होगा और ऑयल हमारा गरम होगा, ऑयल हमारा गरम हो रहा है। अब इसमें डालूंगी मैं सबसे पहले जीरा, जीरा हमारा जो एक चम्मच होगा, एक चम्मच जो है मैंने जीरा डाल दिया है। अब इसमें डालूंगी मैं कड़ी पत्ता, ये आपकी मर्जी कितने डालें। कड़ी पत्ता मैंने इसमें डाल दिया है, जीरा डाल दिया, अब इसको थोड़ा सौते, अब इसमें डालूंगी मैं टमाटर। ये हमारे तीन टमाटर हैं जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। टमाटरों को थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इसमें डालेंगे नमक, हाफ चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें डालेंगे पीसी मिर्चें, और इसमें थोड़ी सी भुनाई करेंगे मसाले की। टमाटर हमारे जो है आधे कुक हो चुके हैं, अब इसमें डालूंगी मैं लौकी।
लौकी डाल के इसको थोड़ा सा इसके साथ सौते करेंगे। लहसुन अदरक इसमें मैंने डाला नहीं है, और इसमें मैं डालूंगी इस तरह का कटा हुआ लहसुन। आंच मैंने तेज कर दी है, और अब जो है मैं इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूंगी। पानी तकरीबन इसमें मैं 2 गिलास डालूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये देखिए पानी आप देख लें, और अब मैं आपको जब ही दिखाऊंगी जब ये गल जाएगी। इसी पानी में इसने गलना है, फिर मैं दिखाती हूँ। ये है लौकी की तरकारी, इसकी वीडियो भी बनाई है। लौकी हमारी जो है गल चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब इसको जो है मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो लौकी जो हमारी तैयार हो गई, अब इसको मैं जो है डिश आउट कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया, और ये जाएंगी हरी मिर्ची जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो लौकी की तरकारी जो है आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि, और वाकई ये बहुत मज़े की बनती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी।